सोजेहि सुमिरते सिधि होई, अगननायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मुख हो ही बाचाल, पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन, अजासु कृपा सदयाल, द्रवउ सकल कली मल दहन, बंदहु गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पूंज, जासु बचन रवि करनी कर। बंदौ प्रथम भरत के चरना, जा सुनेम ब्रत जाई न बरना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो जो भाव होता है उसी भाव का ही चरण एक रूप होता है। तो बड़े लोगों का भाव पवित्र होना चाहिए। अगर आप पवित्र हैं, फिर भी उनका चरण छुएंगे तो वह अपवित्रता ही आएगी, पवित्रता नहीं आएगी। ठीक ना? तो जो तुरी अवस्था के समय जब विश्लेषण किया गया, तो जन्म से मृत्यु तक हृदय को धड़कन प्रदान करने वाला श्री राम जी का तत्व जीव आत्मा ही मिला। बिना उस तत्व के यह धड़कन की क्रिया संभव नहीं है। तो वास्तविकता तो यही है कि जितने भी शरीरधारी हैं, जड़ हो, चेतन हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, मुनि हो, ऋषि हो, महर्षि हो, या संत हो, सबके हृदय को धड़काने वाले मात्र एक श्री राम जी और बाकी सभी पद है, बाकी सभी पद है। जो अपने मन को प्रभु के लिए समर्पित कर दिया उसे मुनि कहते हैं। ठीक है? अब उसमें आर्त भाव से समर्पित किया तो वह आर्त मुनि हुआ, अर्थार्थी, अर्थ के भाव से अगर मन दिया
जैसे कुछ अच्छा से कहते हैं धन कमाने के लिए, अगर धर्म के लिए धन अर्जित कर रहे हैं, माने जो धन है वह मात्र धर्म के ही काम आएगा, तब तो सही है। लेकिन आपका निजी कोई स्वार्थ है तो सही नहीं है, ठीक ने? तो अर्थार्थी मुनि हुआ, और जो भगवान को तत्व से जानने के लिए मन को लगाया वह जिज्ञासु मुनि हुआ, और जिसको तत्व प्राप्त हो गया वह ज्ञानी मुनि हुआ, और जो वह तत्व प्राप्त करके आत्मा और शरीर का बंधन छोड़ने के प्रयास में लगा हो वह विज्ञानी मुनि हुआ, और विज्ञानी मुनि तक नारी के विवश हो जाते हैं। गणेश जी, विज्ञानी मुनि तक नारी के विवश हो जाते हैं। कि सुनु मुनि ज्ञान निधान अमृग नयनी विधु मुख निरखी दिवस होई हरि जान नारी विष्णु माया प्रकट। नारी साक्षात भगवान विष्णु की माया है, साक्षात, ठीक ने? और आज नारी हर जगह सेना में भर्ती हुआ चला जाता है। क्या सेना में भर्ती हुआ करिया, कोई मारी दू थपरा भर आ जाइए, ठीक ने? मस्टराइन बनी है, डॉक्टराइन बनी है, यानी नर्स बन के जाके अमेरिका में HIV फैला हुआ था, ठीक ने? तो खैर, माने ये सब बाणी अब ये अवस्था में कहे के प्रति मात्र इतने बा कि जवन समस्त साधन का आधार बा ब्रह्मचर्य, अब ये समय समाज में कई बा नहीं, यही से कुल बाबा बीवी बन के जेल जाता है। वो तो बढ़िया बा निषाद राज भैया की अब तेन स्पर्श न करी है, शरीरीय से नहीं मन से भी नारी के स्मरण न हुई हो सकत, जाने हाँ। कि भगवान शंकर जी के सेवक के रूप में स्मरण हो सकला, कहे कि पूरा जितना सृष्टि बा गणेश जी सब भगवान भोलेनाथ से ही उत्पन्न बा, तो बात तो वहां से बा, ये ने? तो यह निष्कर्ष निचोड़ निकला कि अंतःकरण में हृदय के धड़कन से ही अंतःकरण की उत्पत्ति हुई, तो उस अंतःकरण में श्री राम जी को छोड़कर और कुछ भी नहीं होना चाहिए, नहीं उन्हें धड़का होता न, तो उनके छोड़ के और कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो यह समष्टि अंतःकरण का एक भेद, श्री राम जी से अब एक भेद,
अहंकार माने मैं हूं अलग से। श्री राम जी, अब देखिए तत्व दर्शन में मात्र श्री राम जी है, मैं कुछ अलग से, लेकिन यह समष्टि अंतःकरण का एक भेद अहंकार ही पंच तन मात्राओं, पंच तन मात्राओं बाणी स्पर्श रूप रस एवं गंध, पांचे और पांच इंद्रियों कान चमड़ा नेत्र नाक और मुंह जीवा और पांच महाभूत सबका कारण है क्या? अहंकार। अहंकार ही इन सब का कारण है। तो यह जो भेद उत्पन्न हुआ, यहीं से सभी अनर्थों का मूल, ये अहंकार ही सभी अनर्थों का मूल है। बात समझ में आई? मूल है, मूल माने जड़। अब उसी से जो है, इसी को अहम भाव भी कहते हैं। तो यह क्या हुआ? अंतःकरण का एक भेद, अंतःकरण का भेद। अब इसी अहंकार को उखाड़ना है। जब श्री राम जी शरीर को चला रहे हैं तो आप अलग से नहीं हैं, आप अलग से नहीं हैं, और जो अपने आप को अलग से मान लिए हैं यह जो है आपका भ्रम है। आप ही का नहीं, जो भी धरती पर आज अहंकार का प्रचंड प्रभाव है, एक जीव नहीं मिलेंगे जो कि अहंकार से मुक्त हो। और यही जो अहंकार है वह तो इतने का कारण हुआ, और यह महतत्व का कार्य है। महतत्व का माने यही पंच महाभूत का कार्य। मुंह धोबे। हाँ, यह महतत्व का कार्य है। हाँ, और सब समस्त अनर्थों का उत्पन्न करने के लिए बीज है। इसी से मतलब यही बीज है, जड़ नहीं। यही क्या है? बीज है। और यह जिसके चित्त में बो गया कि मैं अलग से हूं, जिसकी बुआई ममता दिखाने वाली माता पहले करती है, नहीं
हमार ललवा नहीं, हमार कहे से तबन हम आयल। तो आदिकालीन सृष्टि जब से उत्पन्न है, सृष्टि जब से उत्पन्न है, तीन गुणों ये तमो रजो और सतो, तमो रजो सतो, तीन गुणों रूपी जल की वर्षा के कारण चित्त रूपी खेत में अहंकार रूपी बीज का अंकुरण प्रारंभ होता है। यही तीनों जल का जब बरसात होता नहीं, तमो रजो सतो कह, तभी इस बीज का अंकुरण होना प्रारंभ होता। तो इससे तीन मुख जड़ें निकलती हैं। जड़ें तो बहुत निकलती हैं, लेकिन मुख्यतः तीन, अहंता, इच्छा और ममता। अहंता, इच्छा और ममता, और ये तीनों जड़ें संपूर्ण ब्रह्मांड में अनादिकाल से व्याप्त हो रही है। यानी ब्रह्मलोक में भी ये जड़े हैं, अहंता, इच्छा और ममता, ठीक ने? इच्छा की जगह वासना लिखा बा भागवत गीता में, लेकिन अब इच्छा में ही आ जाइए अंदर वासना। तो अहंता, अहंता मतलब हम हैं, ये विकार बा, तू कुछ अलग से है नहीं, समझा जा। कहल न कि हरहू कलेश विकार, तो पहले विकार जाने कि का हो। तो अहंकार ही वह बीज है जिस पर सतो रजो तमो तीन गुण रूपी वर्षा हुई, तो अहंता, इच्छा और ममता रूपी तीन जड़ अंकुरित हुए, और ये तीनों जड़ें संपूर्ण ब्रह्मांड में अनादिकाल से व्याप्त हो रही है, और इन तीनों के वशीभूत कर्म अहंता, इच्छा और ममता, इन तीनों के वशीभूत कर्म मात्र एवं मात्र जीवात्मा को बांधने का कार्य करती है। देखो जितना कर्म करे बा कुल यही तीने बदे ने, हम भाई, हमार मेरा रू बा, हमार लड़का बा, हमार नाती बा, तो ये सब जितने कर्म होते हैं इनके वशीभूत वे सभी मात्र बांधने का कार्य करते, तेकरे वशीभूत होके कर्म करना बुद्धिमानी बा कि बेवकूफी? गणेश जी बेवकूफी बा ने?
तो फिर एकरे बसीभूत होके कर्म मत करो कि बेवकूफ बना रहबे, ठीक ने? समझो, ये खाली बैराग के चंगारी से कटी, ये कुल जड़ बैराग का टांगा रही और ऊपर निष्काम भजन रूपी धार, यही से ही कुल जड़ कटी। दूसर कोनो उपाय संसार से छूटे के नहीं बा। ठीक ना? तो अहंता तो समझ गई ले, हम है राधे श्याम का लड़का, पार्वती का लड़का, तो कोई का भाई, तो कोई का चचा, तो कोई का भतीजा, तो कोई का नाती, ठीक ना? ई हो गल अहंता के स्थूल तत्व, ई अहंता के जड़ में यह कुल स्थूल तत्व बा, ठीक ना? समझो, कहे कि विकार का ही कुल विकार हो, और जिन पदार्थों और कपट युक्त भावनाओं को जो संसार में लोग भाव दिखावत है, इनको मन सुख का कारण और दुख का नाशक समझता है, पदार्थों को और कपट युक्त भावनाओं को मन सुख का कारण और दुख का नाशक समझता है, उनको प्राप्त करने की जो आसक्ति युक्त कामना है उसी को इच्छा कहते हैं। इनकर ब्याह करा दे फिर कोनो दिक्कत न हुई, माने ठीक न? माने जौने चीज के पा करके सुख दुख नाश हो जाए, ब्याह करा दे तो दुख खत्म हो जाए। माने ये के समझो, जिन वस्तुओं को पदार्थों को और कपट युक्त भावनाओं को मन सुख का हेतु और दुख का नाशक समझता है, उनको प्राप्त करने की जो आसक्ति युक्त कामना है उसी को इच्छा कहते हैं, ठीक ना? उसी को इच्छा कहते हैं। गणेश जी, अब इन पांचों देखिए अहंकार से उत्पन्न है, अहंकार का बीज था, इस पर सतो रजो तमो तीनों गुणों की वर्षा हुई तो अहंता इच्छा और ममता रूपी बड़े प्रचंड प्रचंड जड़ हुए, जो कि जीवात्मा को जिनके लिए कर्म जो है वह जीवात्मा को मात्र बांधने वाला होता है, ठीक? थोड़ा अच्छे से आप समझिए, आप ही के लिए कह रहे हैं, जो इस वाणी को जहां भी सुने वह यह समझ ले कि यह उन्हीं के लिए कहा जा रहा है, यही ना?
तो जिन पदार्थों को और कपट युक्त भावनाओं को मन सुख का कारण और दुख नाशक समझता है, नहीं लोग ब्याह सुख है बदे कर लेन कि दुख बदे जने हाँ, तो उनको प्राप्त करने की जो आसक्ति युक्त कामना है उसे इच्छा कहते हैं। जिनकी पांच स्थूल तत्व होते हैं, पहला स्पृहा, स्पृहा का अर्थ है कि यह वस्तु मुझे चाहिए, इस वस्तु की मुझे आवश्यकता है। दूसरा लालसा, माने उसको पाने की लालच करना। तीसरा आशा, चौथा वासना, वासना का माने कि कौनो भी कीमत पर पावे के बाद, और पांचवा तृष्णा, क्योंकि पाव जान भी चला जाए तब वो पाके रहो, और वह कबीरवा का खत्म नहीं हुआ, जिसको सब संत समझते हैं उसका तृष्णा आशा समाप्त नहीं हुआ था, उसने सफा सफा अपनी बात बता दी। ऐसे निकृष्ट जीव को संत समझना यह बेवकूफी होगा। और वह निकृष्ट क्या, वह सब युग का प्रभाव है, क्योंकि आत्मा उसका भी पवित्र रहा है, आत्मा किसी का दूषित नहीं होता है। लेकिन सन्निपात रोग के कारण जो लोग प्रवचन करने लगते हैं संसार में, जिससे नया संप्रदाय उत्पन्न हो जाए, नाम हो जाए, वह जनमानस को प्रदूषित कर देता है, ठीक ना? तो ये सब अनेकों भेद हैं इच्छा के, स्पृहा, लालसा, आशा, वासना और तृष्णा आदि, ठीक ना? ये सभी अंतःकरण के विकार हैं, राम जी के अलावा कोई है नहीं, ये सब अंतःकरण के विकार हैं। इन सभी के वशीभूत होने के कारण जीव मात्र इन्हीं के लिए कर्म करता है। तो इनके वशीभूत होने के कारण वह कर्म कुकर्म कहलाता है, क्योंकि जब तक बुद्धि किसी के वश में रहेगी तब तक वह पवित्र नहीं हो सकती, तब तक वह पवित्र नहीं हो सकती। बात समझ में आ रही है? समझिए, क्योंकि इसी के वशीभूत होके तो पूरा संसार नाच रहा है। तो मूल अविद्या, अहंकार ही अविद्या का बीज है। तो मूल अविद्या के प्रचंड प्रभाव से इन्हीं को बढ़ाने वाले वस्तुओं को सुख की वस्तु समझता है, सुख की वस्तु समझता है, जो वास्तव में दुख एवं बंधन का कारण है,
दुख और बंधन का कारण है। एक निकृष्ट जीव था, महामाया का लड़का, उसको सब गौतम बुद्धा कहते हैं। उस सुअर के बच्चे ने कह दिया कि जब तक लालच नहीं होगा तब तक कोई मन लगा के काम, इसलिए लालच का होना उसके अनुसार जरूरी है। ऐसे जीव जो कि काम के नहीं है उनको मार के खाने में कोई दिक्कत नहीं है। 40-40 हजार कुत्ता चाइना में सब बौद्ध को मानने वाले खा रहे, इसे धर्म कहेंगे? ठीक ना, समझा जाए। ये सिर्फ परम चेतना की जागृति के लिए बाणी जा रही है, क्योंकि ये सब जीव कल्पों के लिए नरकगामी हो चुके हैं। वासना से कभी परमात्मा नहीं पैदा होते। यह जो सेक्सुअल कोर्सेस होते हैं, मैथुनी क्रिया, इनके द्वारा परमात्मा का अवतार नहीं होता है। वो आई साई उद्धा बुद्धा अबीर कबीर इब्राहिम परमहंस मूसा मुहम्मद गुरु नानक कोई हो, कोई भी हो, ये सब भगवान के शरण में भी नहीं आए, क्योंकि जो भगवान के शरण में आ जाता है वह कोई भी क्रिया ऐसा नहीं करेगा जिससे भगवान में भेद पैदा हो जाए। अंदर से हम सभी एक ही है, आत्म तत्व में कोई अंतर नहीं है। ठीक ना? जिन पदार्थों को मनुष्य दुख का कारण और सुख में बाधक समझता है, नहीं, उनमें जो विरोध बुद्धि होती है, जैसे कोई से मना कर बे कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, कोनो जरूरी है समय नहीं बा ब्याह करना, तो विरोध करी ने? उसी का नाम द्वेष है, उसी का नाम द्वेष है। इसके स्थूल रूप जैसे इच्छा के स्थूल रूप पांच मिले, क्या क्या? स्प्रिया, लालसा, आशा, वासना और तृष्णा। उसी प्रकार द्वेष के स्थूल रूप है पद, काम, मद, असत्य भाषण, कपट, छल, दंभ, क्रोध, बैर, ईर्ष्या और घृणा। कट हो गए, गिनिए। पद, काम, मद, असत्य भाषण, कपट, छल, दंभ, क्रोध, बैर, ईर्ष्या और घृणा। ये एक ग्रहो द्वेष के स्थूल तत्व है, और ये भी अंतःकरण के विकार है। चेतना के रखबे विकार रही तो भगवान अपने में मिलावे वाला नहीं है। इन सभी विकारों में आसक्ति, पांच थे इच्छा के विकार और 11 थे द्वेष के विकार, इन सभी विकारों में आसक्ति यानी लगाव यानी राग
के जुड़ जाने के कारण ममता रूपी जड़ चित्त रूपी खेत में प्रचंड और प्रबल हो जाती है और इतना करने के बाद यथार्थ ज्ञान का एक कण भी बुद्धि के पास नहीं रह जाता। जो वास्तविक ज्ञान है उसका एक भी कण का सहारा बुद्धि को नहीं रह जाता। क्योंकि ममता पूर्ण अंधेरी रात है, पूर्ण जने ममता के खे कण भी अगर चित्त के छुए बा तो नियारे में बाए। जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है, ममता रूपी रात्रि में राग और द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख मिलता है, किसी भी जीव के मन में प्रश्न आएगा कि महाराज ये तो मन में बा, ये कब तक रही? अनियारे में मर जा, कब तक रही? तो यह किसी भी जीव के मन में तभी तक बसती है जब तक प्रभु श्री राम जी का प्रताप रूपी रवि का हृदय में उदय नहीं होता, तभी तक यह ममता रूपी रात्रि रहेगी। तो रवि शंकर के शरीर से श्री राम जी के प्रताप रूपी सूर्य के उदय हो रहा बा, गणेश जी हुआ बा कि नहीं होगा बन है? तो देखो अब ममता रूपी रात्रि के कहीं जगह ये खाली गणेश दी ये बदे नहीं, जे सुनाता है बाणी के सबके बदे कहता ही, कहे कि कोई के अलग से सूचना ही शरीर नहीं दे सकत, अगर सूचना दे ही तो वो अहम भाव आ जाई। यही से एक समझ ले, ठीक ना? सब सुंदर कांड कहवाई जाने, कुछ लोग हैं हमेशा सुंदर कांड का मंगलवार शनिवार का पाठ करो लेन। भैया एक खे जोन हो चौपाई बा, यह बात के सिद्ध करता कि ममता तरुणे तमी अधियारी राग द्वेष उलू के सुखकारी अतब लगी बसती अजीव मन माही जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। आगे वही बात ना। यह सुंदर कांड का 41वां दोहा की दूसरी चौपाई है। अगर यह बात अगर चित्त में नहीं बैठा पाए तो वह सुंदर कांड का पाठ करना मात्र दिखावा है। यह न गणेश जी, ये सभी विकार अविद्या यानी मोह रूपी माया के परिवार हैं। ये सब विकार माया के
परिवार हैं। शरीर के सभी बीमारियों के एकलौता जड़ है बीज। मोह जो है शरीर में जितनी बीमारियां होती है उसका एकलौता कारण है। अगर ये कारण है शरीर में रहत तो ये शरीर स्पर्श का त्याग कर पावत। एकर मतलब मोह मिटला। अगर कोई कहे बा कि मोह माया ममता नहीं मिटत तो ये ओकर भरम बा। और वो कहे वाला जीव कभी संत नहीं हो सकता। जो जब दुख होगा तो बहुत सारे कष्ट मिलेंगे, बीमारी होगी, मोह ही सब बीमारी का जड़ है। तब वो मोह करबे तो यहां मुड़ी हिला दे का मतलब फिर मोह कोई से लगावे के न तो कपट कर रहे तो बताए गुरु का करी आज मोह आएगा रहा। सही सही बता देवे में वहां मत कपट करे, ठीक ने। तेन यह मान के चलिए कि अब तो के मोह ना व्यापी। कहे कि उत्तर कांड के 120वें दोहा के 15वें चौपाई की पहली लाइन है कि मोह सकल व्या धीन कर मूला अतिन ते पुनि उपजही बहुसूला। बहुत सा दुख उत्पन्न होला, आदमी एक नहीं हजारों दुख एक साथ में पकड़ लेला। नहीं तो जैसे सूर्य देव के प्रकाश के पुंज निकलते हैं उसी प्रकार मोह से प्रचंड अंधकार प्रकट होते हैं। तो मोह से अंधेरिया आई तब वो मोह लिए बे नहीं महाराज जन है। बादल तो कभी कभी सूर्य देव को ढकने की चेष्टा करता है, हमेशा सूर्य देव को ढक नहीं पाता बादल, कभी कभी चेष्टा। जबकि जीव को जो कि ईश्वर का अंश है उसको मोह रूपी अविद्या प्रभु के प्रताप को हृदय में प्रकट होने के पूर्व करोड़ों करोड़ों जन्मों से घेरी रहती है। बादल तो सूर्यदेव को कभी कभी छेकने का प्रयास करते हैं लेकिन यह मोह रूपी अविद्या जीव को करोड़ों करोड़ों कल्पों जन्मों से घेरी रहती है। और कब तक घेरी रहेगी? जब तक श्री राम जी के प्रताप रूपी रवि का उदय अंतःकरण में नहीं होगा। तो बताओ ये जन्म में कर ले बस जा कि नहीं, कई चक्र में घूमे के बा बड़ा परेशानी ने। कोई खेत घेर लेता तो कोई घर गिरावे के चेतावनी देता, बहन नकले के तब वो असले के कहता है, ठीक ने। तो भाई देखो अब यह ज्ञान का प्रकाश का उदय होता, देखो सब समझ में तो बात आवता न। तो जब मनुष्य का शरीर पाके अपने हृदय में श्री राम जी के अलावा कुछ रखे रही गल तो वो कलयुग के द्वारा ठगा गयल। ये न भाई ते ठगा जीवत अच्छा लगी ने? यही से
गणेश जी समझो, ये शिव जी का कृपा बा, ये कुशा के रवि गुरुए का शरीर बा, एमे कोनो दूर आए नहीं बा। लेकिन शरीरी पे मत जा, ये जितना बाड़ी जे सुने जहां सुनो वो समझो कि वो रवि मिल गए सूर्य में, प्रकाश मिल गए मिल गए वही से प्रकाश निकला था। जब शंकर जी के सत्य में यानी शिव जी में मिला देन तो, नहीं तो ये प्रकाश कहाँ से निकलत भाई? गणेश जी आसक्ति से निकल जाई, ममता लगा रही तब निकली कि वासना में रहबे तब निकली? तो मोह माया और इसके परिवार के अनुकूल, मोह माया और इसके परिवार के अनुकूल वस्तु की प्राप्ति और प्रतिकूल की निवृत्ति से अंतःकरण में जो प्रसन्नता की वृत्ति होती है उसको लोग भ्रम बस सुख समझते, माया का वस्तु मिल जाए, हीरो हुंडा मिल जाए, हुंडा कार मिल जाए, तो इसको लोग भ्रम बस सुख समझते हैं। वैगनर कार आ जाए घरे में, चार चक्का, वो एयर कंडीशन वाला, या ना, तो इसको लोग भ्रम बस सुख समझते हैं। देखिए समझ में अब सुख, यारण का विकार है, यानी यह भी अंतःकरण का विकार है। और ठीक इसके विपरीत यानी प्रतिकूल की प्राप्ति और अनुकूल के विनाश से जो अंतःकरण में व्याकुलता होती है, जिसे व्यथा भी कहते हैं, दुख भी कहते हैं, यह भी अंतःकरण का विकार है। यानी सुख दुख की प्राप्ति में और प्राप्ति में इस प्रकार का जो सुख दुख का अनुभव होता है, यह भी अंतःकरण का विकार है। समझले? तो यही खराब है? नहीं, बस भगवान का निष्काम भजन करके भगवान में मन के विलीन कर दे, यही से कल्याण। और इतना ही नहीं, पंचभूतों से बना हुआ स्थूल शरीर का पिंड मृत्यु होने के बाद सूक्ष्म शरीर के निकल जाने पर संघात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संघात। और वह मृत शरीर भी, राम खिलावन भाई, यह भी विकार होता है। लेकिन जब यह किसी मोह माया के परिवार के काम नहीं आता तो इसको लोग जगहते लाकर फूंक देते हैं, या तो जमीन आड़ देते हैं। और कुछ राक्षस ऐसे उत्पन्न हो गए जो कि इस विकार को भी खा जाते और अपने आप को सिद्ध पुरुष कहलवाने का प्रयास करते। और गड़वा समझे? देखिए ये सभी विकार है, और ये सब तभी तक जो है जीव के हृदय में है जब तक श्री राम जी के प्रताप का सूर्य अंतःकरण में उदय नहीं होता। वह उदय कराने में करोड़ों कल्प लग जाए, करोड़ों करोड़ जन्म हो जाए, उससे लेना देना नहीं है। तो जो भी सज्जन इस बाणी को सुने
वह इतना ही मात्र कर ले कि इस वाणी को सुनते ही अपने अंतःकरण में इतना जान ले कि श्री राम ही जी हैं, तभी तो हृदय धक धक कर रहा, यानी श्री राम ही जी हृदय में है, मैं कोई हूं नहीं। और श्री राम जी के चरणों में मोह माया और निजी इच्छा का त्याग करके निष्काम भजन करने में लग जाए, वह परम धाम वासी बन जाए। अब इतना सरल तो देखो बा भाई कि में कहीं दिक्कत बा गणेश जी है। और इतना ही नहीं, इन सब का संवेदना जो प्राप्त होता है, जीभ नाक आंख कान चमड़ा के वस्तु का, धन वंश चेला नाम और पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त करने का, यह जो जीव के अंदर ज्ञान शक्ति है, जिसके द्वारा जीव मोह माया सुख दुख और माया के परिवार का अनुभव करता रहता है, वह चेतना भी अंतःकरण का विकार है। वह भी अंतःकरण का विकार है। और इतना नहीं, धीति सतो रजो तमो तीनों गुण एवं देवी संपदा तक अंतःकरण का विकार है। जने इस सतो गुण भी डंक मारा ने सत्कर्म समझो, सिर्फ श्री राम जी हैं, हम कुछ हैं, तो जब हम नहीं तो हमारा कौन, जाने? तो आप लोग पुरुष बाए आप लोग समझ जी, लेकिन ये नारी के बस का बात नहीं बा। हाँ, लेकिन यह कि जे भी ये शरीर के मानत हो है, एक नारी भी अगर ये समझ के जब कुल विकार बा तो ओकर त्याग अगर करे चाहे तो इनमें कोनो जो है मुश्किल भी नहीं। जना गणेश जी, तो कुछ लोग बहनु भागवत गीता पर विश्वास करी हैं, कितनो रामायण सुन ले, कितनो विनय पत्रिका सुन ले, लेकिन भागवत गीता भी सुनने की इच्छा रखी है। तैसन मनई भागवत गीता के 13वें अध्याय के पहले से लेके 6वें श्लोक तक का अनुसरण करें। 13वें अध्याय के 1 से 6 तक, 18वें अध्याय के 33 से 35 तक, और 16वें अध्याय के 3रा श्लोक। ये सब बात रिकॉर्ड होता, जाके पढ़ के लोग देख ले। एकरे बाद भी अगर यही के बसीभूत रहबे, भगवान के प्रताप के सूर्योदय अपने अंतःकरण में नहीं करे चाहता तो मरो। ये ना, ये जो है जो ज्ञान का प्रकाश निकला था राम खिलौन भाई, जेकर शरीरिया देख के लोग भ्रमित बन कि हाँ मैंने चीना थे ये कुशहा के रवि शंकर हैं, तो वो रवि जब सूर्य में मिल गए, वो शंकर जब शिव जी में समाहित हो गए, तब जाके ही ज्ञान का प्रकाश मिला था। एक इतना सरल कोई न समझे, जेकरे की यहाँ बाणी पहुंच जाए, अगर ये बाणी का सम्मान करके लोग अपने अंतःकरण के पवित्र नहीं कर पाए तो वो बहुत बड़ा द्रोह हो जाए। ये न गणेश जी, शरीरिया तो बा उनकर, कहा मना कर दें कि नहीं शरीरिया दूसरे का बा, लेकिन उनकर सबका जो भाव रहा
रवि का भाव सूर्य में, शंकर का भाव शिव जी में, ओकरे बाद ई सब इनके बदे अब सब एक होइगा, अब यहाँ कोनो भेद नहीं बा। ये ना गणेश जी कि कहीं दिखा था, कहीं दिखा हुआ तो भाव देखो आपे लोग नहीं, बहुत लोगन का जेकर भी जीवन में अनुभव बा भाई, पुराने चरित्र से जितना भी जीव ए शरीर के संपर्क में आल बाएं, धरती पर एक जीव ऐसा न होई जे अपन बुद्धि पवित्र करके विचार करे तो ये समझ जाए कि एन कोई का अनहित भी कर सकले, कहे कि शरीर से अनहित तो कोई का नहीं है भलबा भाई। शिव जी का कृपा बा, फिलहाल कारण क्रिया कर्म और कर्ता ये चारों से अब इनका लेना देना नहीं बा। और जवान अनुभव होता अगर तनको अहंकार मद कहीं दिखाए तो भैया हाथ जोड़ के विनती बा केदम कपट त्याग करके प्रत्यक्ष रूप से कह सकल है, कहे कि एक कहीं जगह है नहीं बा। अब भक्तन के कल्याण बदे जैसन भी बाणी के जरूरत बा, जे आवा था ओके वैसे ही मिला था, जेके घन के जरूरत बा ओके घन मिला था, जेके हथौड़ी के जरूरत बा ओके हथौड़ी मिला था, और जेके रंदा देवे के बा रंदा देता है, और जेके दोगा चढ़ावे के बा ओके दोगा चढ़ावता है। कहे कि तनको संसार का चुना न रह जाए मन में, ये संसार खाली पवित्र प्रेम बदे हो और बैराग विवेक भक्ति के रास्ते भगवान में मिले बदे मनुष्य के शरीर हो, जब अंदर परम पवित्र प्रेम न हो तो बाहरे से ममता दिखावे का अधिकार कोई के हाँ, और अनाधिकार अगर कोई ममता दिखावता तो वो ओकर विकार हो, वो सच्चा प्रेम नहीं। ठीक ने, तो ये कि प्रभु ने मुझे स्वीकार कर लिया, एक प्रश्न आएगा कि भाई अंदर विश्वास होना चाहिए ने कि अब प्रभु ने मुझे अपना लिया, ठीक ने, तो एकर एके आधार ले ले, तब समझे कि प्रभु हमें अपना लें। जितना ये संसार जगत में मोह माया ममता लगा रहा, सब के सब प्रभु के चरण में लग जाए, प्रभु के चरण में लग जाए, हानि लाभ सुख दुख भलाई बुराई हर स्थिति में चित जल की तरह एकदम स्थिर रहे, एक पानी में सिक्का डाल दे वो स्थिर रही तो वो सिक्कवा दिखाई, पानी साफ रहे सिक्का डाले रहे दिखाई, लेकिन अगर वो हिलत रही न दिखाई,
तो हमेशा अपने अंतःकरण में श्री राम जी के देखत रहा, ठीक ना। और कलिकाल के जितने कुचाल है, छल कपट झूठ धोखा चोरी ठगी, ये हमेशा के लिए आपको छोड़ दे, तभी मानिएगा कि प्रभु मुझे अपना लिए। यही ना, किसी भी प्रकार का कपट और इस शरीर के साथ जितने लोग जुड़े हैं, ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको यह अवस्था न मिले। हाँ, जो कपट त्याग के कान मन बुद्धि और चित्त लगा करके संपूर्ण श्री रामचरित मानस और विनय पत्रिका जो वर्तमान शरीर के मुख द्वारा उद्घोषित हुआ है, उसको जो सुन लेगा वह उतना ही जल्दी आनंद सागर में चला आएगा। उसके बाद जितना श्वास उसका रहेगा वह आनंद ही आनंद में बीतेगा, फिर उसको कभी किसी प्रकार का मोह माया व्यापेगा नहीं। देखा खिलौन भाई, इनमें तो कोनो बहुत ज्यादा परिश्रम न तो बा, न तो इनमें को नया लगे कि बा। गणेश जी, कभी कोई से पैसा मत ले है व्हाट्सएप पर भेजे के, जने कोई कहे कि हमें व्हाट्सएप नहीं चलावा आवत तो ओके एक चिप में अपन डाल के भेज दे है, लेकिन उसे पैसा मत ले है। वो कोशिश भी करे करे तो हमें फल न मिली, कहे नहीं है बाणी सुन के ओके धारण कर ले वह धन हमें मिल जाएगी। ठीक ना, जब भगवान जो है इच्छा रहित है, ठीक ना, नहीं तो कद अपन चीप भेजे फिर है यह ना, लेकिन एक धारण करे के पड़ी, धारण करवे तब तू मूल धन दे पाइबे। नहीं कहे कि देखा खिलावन भा, तब समझ में आ गए कि प्रभु अपना नहीं है तो क्या हुई। तो देखा अब नजदीक पहुंचा था प्रभु के ने, झलका लगे ने, अरे वो अंदर देखा के पड़ा ला, ये आंखी से देखा के कोनो मतलब नहीं। अगर अंतःकरण में श्री राम जी के नहीं बैठी ले तो फिर बाहर से क्या मतलब बा, बाहर से तो तमाम फोटो बा देखते हैं ना। और इतना ही नहीं, ऐसा होगा कब, जब समझ लेंगे कि मेरे तो मालिक गुरु माता पिता आदि सब कुछ केवल श्री राम जी, क्योंकि देखो माता जी भी बहन, तो उनके अंदर अगर श्री राम जी ना होते तो फिर या न राम जी भाई बतावत रहे कि कुछो करे कि नहीं, लेकिन हर चीज के ज्यादा ई नहीं भैया नहीं भैया ई कब हुई जने, और उनका रखे बड़ा बढ़िया अनुभव बाबा जने कि कहे न आज कि गुरु हमें समझ में आवा था कि उम्र बढ़े के बाद माया बढ़ा ला हमने माइये में देखो ताई जने गणेश जी, इनकर बाणी लोग व्हाट्सएप पर सुनत है न, तो नहीं से वो सबके संतोष मिला था कि चलो जैसे बान हौसत तो बहन या ना। जब कोई के बाती पर खुशी न मिले और तब वो हौसा के पड़े
तो कैसे हंसबे? हा 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 ये ना कहे कि देखो जब सही तत्व मिलत रही ओके लेत रहबे तो जौन अंदर से हंसी निकली अपने से ही ओकर आनंद कुछ और रही भाई ने ऐसे हा 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 ऐसे कहे देखा हुई ठीक ने ठीक। तो कहते हैं अब देखो ये बात समझ के धारण करना बा कहे कि जब तक धारण न हुई तब तक कल्याण हुआ वाला नहीं बा। तो कहते हैं कि हे श्री राम जी मैं भला बुरा कैसा भी हूं पर हूं तो आपका दास ही इससे मुझे त्यागिए नहीं जने। जब पहले मोबाइल चलावत रहा शरीर तो ये सूचना कौनो जीव कहाँ से आयल ये है ठीक बतिये यार तो कंफर्म होगल कि ये कभी त्यागी है नहीं। तो देखो जेके जगह देहन कहा देखा खाली एक श्री राम जी होलेन भाई जे कि निभा ले जाए और कोई के पास ताकत नहीं। तो चूंकि अब देखो यह बाणी जब आयल तो जरूर भक्ति भाव से हाल हुई रहे तो हे कौशल नाथ आप कृपा के समुद्र और शरणागतों का पालन करने वाले और शरणागत होए बदे भाई अहंकार इच्छा लोभ काम क्रोध घमंड जलन ममता कपट दम पाखंड झूठ धोखा चोरी दुराचार अत्याचार व्यभिचार ये सबके छोड़े के पड़ी तब न कोई शरण में आई न गणेश जी कोनो शरणागत आदमी के देखे बाए हाँ क्योंकि भगवान शरणागतों का पालन करने वाले बिल्कुल सफा सफा दर्पण की तरह जैसे मुंह बनेबे दर्पण में वैसे ही दिखाई कहे कि उनके यहाँ तनको गंदगी का लेस मात्र भी नहीं बा समझे में कोई दिक्कत नहीं। अरे कूलर अच्छा अच्छा दिया था बस धारण कर जा तो अपनी इस शरणागत वत्सलता की रीति पर ही चलिए। अब जे भगवान में मिल गया ओकर ई है वत्सलता माने जितना पुत्र का प्रेम होला जितना दशरथ जी श्री राम जी के करत रहे उतना शरणागत का रक्षा करे के चाहिए जाने? और जे अपन हित नहीं समझ के शरणागत का रक्षा नहीं करत ओकर मुंह देखे से पाप लगाला भाई जाने? सोनर पावर पाप मैं जाने? ये कौने समय का प्रसंग बा जाना था सुंदर कांड में जब विभीषण जी पहुंचे कहां श्री राम जी के पास जाने
तो श्री राम जी यह बाणी कहे हैं। देखो पहले यह चरित भाव रहा, ओके भुलाल तो नहीं बे रहा न कि शरणागत कहूं जे तजही अनिजय नहीं ते अनुमानी अते नर पावर पापमय तिनही बिलोकत हानि। यह के आधार ललन दुबे जी के मिला कि अगर ऐसने अवस्था में मम्मा के हम छोड़ दे तो वास्तव में हमार गिनती यह पावर और पाप में मनुष्य में यही से उन्हों अपन कमर कस लेन कि चाहे जौन कुछ भी हो जाए लेकिन मम्मा के पूरा रामायण सुनाई और विज्ञानी रहा बान एन समझ जई है ये विश्वास उनके। अब जेकरे कि यहाँ ये भाव नहीं रहा वहाँ कुल भाई भतीजा भांजा रिश्तेदार नातेदार सबके टोल टोल लेन और हर जगह ही है बाय पावर माने पशु और पाप मैं अभी न रह के चाहिए ना लेकिन भाव टटोल ले है वो खाली जो है वास्तव में शरणागत बा कि वो खाली कला लगावा था कहे कि कला लगावा वाले जो ना बहुत लोग होगा बान भाई हमरे बिटिया का बियाह करे के हो भैया कुछो दे दे भैया हमार पति हमें घोरे से निकाल दे बान भैया। यही में गणेश जी का 5500 का नोट बहुत गयल जने सब सीधा साधा पाके ने ऐसे ही जो ना ठगत है तो क्या करबे अब ओकर गति वैसे ही हो ही ना जे ठगी दूसरे के क्या ठगबे तू खुद ठगा गई ले यही से बतावत है सोच कर्म और वाणी से जने कौनो भी जीव का कष्ट न हो ये पहले आधार बनावे। कहते हैं कि हे नाथ मैं तो काम क्रोध लोभ आदि दूसरों के द्वारा पहले से ही बिगाड़ा हुआ हूं। यह कुछ बिगाड़े बान है काम गुस्सा लालच जितना कहो लेन बार बार यह कुल ते दूसर कोई बिगाड़े हो हम अपने से बिगड़ा ते हमार गलती नहीं। देखो समझो बात बहुत रहस्य के बाय के तन्नी में मत ले मजाक में नहीं क्योंकि कोई भी आत्मा कभी दूषित नहीं होती वह भले से जो है बकरा काटने वाले की आत्मा हो लेकिन वह दूषित आत्मा हमेशा शुद्ध रहता है आत्मा कभी दूषित हो ही नहीं सकता। दूषित होता है मन ठीक ने इसलिए इस शरीर ने सिर्फ आत्मा का सम्मान किया प्रदूषित बुद्धि मन शरीर का नहीं। कोनो गलती तो नहीं करें भाई तो अब कोई के शरीर का ये सम्मान देवे जी है भैया सबका सम्मान करत करत के भाव रहित के अवस्था मिला अगर भाव रहित ना होते तो सम्मान न बच पावत ये ने तब वो अगर संतोष अगर ना हो कोई के भात का करबे खिलाओ भाई तब वो कहता है कि नहीं भाई एक जगह बचा बा। देखा आदमी बोल के अपन जो है कि बता देला ने तो कहते हैं कि हे नाथ मैं तो काम क्रोध आदि दूसरों के द्वारा पहले ही बिगाड़ा हुआ हूं इस बिगड़े हुए को शरण में रख कर और न बिगाड़िए। नहीं आप तो सदा ही सबकी सब तरह से सुधारते आए हैं
अब मेरी भी सुधार दीजिए। तो देखा भाव रहित का अवस्था लेके सबके सुधार देने भाई। अब इनके चरित्र से कोई के कलंक तो नहीं लग सकत। समझो ये कहे कि परम पवित्र लीला के अवस्था बा, एकरे छोड़ के दूसर ऐसा कोनो रास्ता नहीं रहा जोने से कलंक मिटा देते हैं। मुझे अपनाने में जगत आपकी हंसी करेगा, आप इस डर से क्यों डर रहे हैं, आपका तो सदा से यह बाना ही है। जाने तो देखे डरे नहीं एकदम खुल के कहते हैं नहीं। आध्यात्मिक पिता का चरित्र भयल बा भैया, आध्यात्मिक पति का चरित्र भाबा, सब कौतन जाय दे जोन भैल तोन भैल ब्याह कर ले। देखे बहकावत है ने की बनावत है जाने दुदू करोड़ दहेज देवे के भी एक शरीर के सामने ऑफर आयल। अरे यार कुबेर के पास ताकत नहीं बा, इंद्र के पास ताकत नहीं बा कि मार्ग से बिगाड़ दे, तो उसमें 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ का बात करो है ये ने। तब देखें कि यार इतना ही सुधरे वाला बात, जब ने संसार सुधरे वाला तो देखे कितना मजे आ गए कि ले भैया आप क्या कर बन कुल श्वास दे दे शंकर जी के ले हले। अब तो इनके क्या को श्वास नहीं बचा बा, अगर अब कुछ कहता ही तो हमने का कपट पकड़ा जाई। यही से देखा कोई सामने है कहे कि कोई का कर्म कोई का चरित्र अगर ऐसा करता है कि इनका एक को श्वास अगर जाए तो वो हो जाए शंकर जी से कपट। तो न तो कोई के कोनो सूचना देवे के बाद न तो फोन करे के बाद, फोन में न रही तो फोन कहाँ से कोई करी। लेकिन ये बा कि भाई चरित्र जो ना सब व्हाट्सएप पर चला जाता, गणेश जी भेजता है ना एकदम सिर्फ सत्य और सिर्फ निजी अनुभव जाए के चाहिए, थोड़ा भी मिलावट नहीं। सबके एक दिन राम खिलौन भाई समझ में आई कि अगर सही मार्ग पे चलबे तो मुक्ति भक्ति कुल मिली, और झूठ का सहारा लेबे तो तू हर पग पग पे फंसबे। जाने तो फंसबे तो मुंह दिखावे के लायक न रहबे। जाने एन कोई से डरते नहीं भैया, जौन कुछ कर्म करें करें। हाँ अभी भी जवान चरित्र हो जाता है शरीरी से उसे सबकर कल्याण है बा, परम कल्याण बा, पहले कल्याण भेल अब परम कल्याण होता नहीं। और ये बाड़ी कोनो मोह माया ममता में नहीं जाता, जितना मित्र बने संजीव भाई हो वीरेंद्र सिंह हो सुरेश भाई हो कोई हो भाई हो, एक बार जे इनकर तन्नी सा सेवा करे सबके मित्र हो भाई हो परिवार हो, एन कभी कोई का अपमान करे के बारे में सोच भी नहीं सकते। जब सांसद शंकर जी के दे दें तो शंकर जी क्या कहा ये ने। आपका तो सदा से यह बाना ही है, आपने अपने जिस सील और सरल चित्त से बंदरों और निषाद राज जी को अपना मित्र बनाया, मेरे साथ भी उसी स्वभाव के अनुसार बर्ताव कीजिए। तो उतना प्रेम लियावा तो तहु के साथ है कहे कि वो तो सबके बदे समान है ये ने। निषाद राज जी एकदम कहन अरे चखरुआ पखरुआ नैया डुबो रे
भगवान के अकेला समझ के राम जी के जाता है सेना लेके रे, मर जाओ लेकिन छोड़ब नहीं जो है, भले से मर जाओ नहीं, भाव तो खाली चाहिए, यहाँ कौन धन और वस्तु चाहिए, तो उतना भाव जहाँ रहे या न भाव रहे, लेकिन बोले कि नहीं बाप बोल देबा तो मजा किरकिरा हो जाए, ये न समझा, यहाँ खाली कुल खेल भावे के बा, और जे घरवा में भाव नहीं पवित्र कर पाए, जहाँ पर इतना जो है शंकर जी के सत्य के बराबर पवित्र भावना का संबंध होला भाई, नहीं कितनों काम वासना रहे लेकिन बहिन के बिटिया के आप वासना भाव से नहीं देख सकते कि माई के देखबे, इतना पवित्र संबंध में जे कपट से नहीं मुक्त हो सकल, बाहर में कौन संबंध लगा बा, तो वो बिना वो ठगी के अलावा कर का सकल बहरे, यही से भवा बाबा जी के घर जान के पहले उनके घरे में जाके पता लगाओ कि इन ठगे बहन की नहीं, तो पता चल अरे मर्दवा तू जेकर बात कराता है वो कुल बेच बाज के जो हो कुल लीप पोत करके तक गयल बात के बाद भाग यहां से नहीं ए भवा एन एको धूर बेचे नहीं बहन, जने मन चाहे तो पूछ ले कुसाहा में कोई से भी, ठीक ना। अच्छा ये कुल भगवान का लीला हो जाने, इनमें इनकर कोनो जो है निजी पुरुषार्थ नहीं रहा, बस प्रभु के कृपा से सही रास्ते पे चलते चलते ये अवस्था मिला, चल ठीक ना। कहते हे नाथ यद्यपि मैं अपराधी हूं पर हूं तो आपका ही न, इसलिए तुलसी को आप न भुलाइए, अपना टूटा हुआ भी हाथ गले बंध जाता नहीं, देखो टूटा हुआ भी हाथ प्लास्टर चढ़ा के तो मैं हूं तो आप ही का समझा, कहे कि तुलसीदास जी का प्रमाण कभी कटे वाला नहीं, ठीक ने। और फूटी हुई आंख में भी जब दर्द होता है तो उसके अच्छे कराने की चेष्टा की जाती है, इसी प्रकार मैं भी यद्यपि टूटी बांह और फूटी आंख के समान किसी काम का नहीं हूं, नहीं तथापि आप का ही हूं, इसलिए आप मुझे कैसे छोड़ सकते हैं, ये ने तो देखो, अब कोई से कहा कि मौन व्रत रखा गया लेकिन अगर वो मौन व्रत के सारे सतयुग के स्थापना में सहयोग दे सकत रहा, अब कोई नहीं रखे तो फिर वो काम तो नहीं आल, यह न जेके जोन संकेत गयल, अगर वो संकेत से वो क्रिया नहीं करता तब वो एन कोई के छोड़ेन नहीं, काहे कि जेके अपना लेहन यह न, तो ओकरे बदे भाई अगर नहीं छोड़े की बात अपने के लिए निर्मोही बनो, यह न अपने अस्तित्व के खत्म करबे तब बने, तो वैसे ही रविशंकर अपने अस्तित्व के समाप्त करके प्रकाश के जगह दे हैं, और प्रकाश का अस्तित्व समाप्त भल तो उनके आत्मा के खाली शरीर में छोड़ के धाम निकल गए। अब देखो अब फिर कहाँ जो है रविशंकर और प्रकाश बन के ही शरीर सो सकल जब वो जीवन आई बा, ठीक न। हाँ आत्मा बन के सोचा था तो निश्चित बाकी चरित्र ओके परमानंद प्रदान कर, आप लोगन के मिला था तो सभी के मिली ने, अभी कहो कि खाली हम ही के मिले दूसरे के ना मिले,
इते ड्रामा हो जाए ने। अब भाई जब सूर्योदय होई तब प्रकाश तो सभी के मिली कि ना मिली, ते बढ़िया बा तब तो और खुशी होवा चाहिए ये ने। तो कहते हैं कि हे श्री राम जी, आप मुझ पर मन मैला न कीजिए, मेरी ओर से अपनी कृपा की नजर न फिराइए, यानी मुझको दोषी समझकर न तो क्रोध कीजिए और न अपनी कृपा दृष्टि हटाइए। जब मिल गई ले तब क्रोध नहीं कर सकते और कृपा दृष्टि के हटा भी नहीं सकते। देखो वह कर्म होता ना भाई। हे नाथ सुनिए, इस लोक और परलोक में आपको छोड़कर मेरा कल्याण करने वाला कोई दूसरा नहीं है। अगर दूसरा कोई होता तो यह कृपा दृष्टि हटा लेते ये शरीर की अवस्था में आके भी, लेकिन चूंकि कोई दूसरा है ही नहीं, यही ने मनु और शत्रुपा जी से कहें ने कि हम रे जैसन जब कोई बटले नहीं बता आई था बेटवा बन के भाई, जब कहे कि बर मांगे हमरे बदे आधे कुछ नहीं बा ये ने। तो कहते हैं कि हे नाथ, मुझे गुणहीन नालायक आलसी नीच और दरिद्र तथा निकम्मा समझकर जगत के स्वार्थ के संगियों ने तिजारी के टोटके की तरह छोड़ दिया, जाने कोई पूछत नहीं, और फिर भूल कर भी पलट कर मुझे नहीं देखा। तो अच्छा किए ना, अगर पलट के नहीं देखे तो मन को भगवान में लगाने में आपको सुविधा हो गई, ये तो अच्छी बात हुआ। स्वार्थ छूटते ही ऐसा छोड़ दिया कि फिर कभी याद तक नहीं किया, मुझे भक्तिहीन वेदोत मार्ग से बाहर एवं कलयुग के पापों से घिरा हुआ देखकर हे नाथ देवताओं ने भी छोड़ दिया, इसमें उनका कोई अन्याय भी नहीं है, क्योंकि मैं सभी का अपराधी हूँ। मैं तो बस आपके नाम की ओट लेकर पेट भर रहा हूँ, खाली ओटे ले बन नाम के, लेकिन कपट कभी गुलामी को रहता है। ओट ले पक्का पक्का तब तो सही बा, लेकिन अगर कामना रखे बाया कि चेला बन जा नाम हो जाए फोटो का पूजा हो है, तो एक मतलब तू प्रचंड कपटी है, यही ना। इतने पर भी आपका दास कहलाता नहीं, और यह बात सारा संसार जान गया है। अब आप ही विचार कीजिए कि संसार बड़ा है या वेद। वेदों की विधि को देखते तो मैं आपका दास नहीं हूं, परंतु जब संसार मुझको आपका दास मानता और कहता है तब आपको भी यही स्वीकार कर लेना चाहिए। तुलसी का भला तो
जब कभी होगा तब आपके ही द्वारा होगा। अब देखे खिलौन भैया, जब ही पता लग गया कि जब यही शरीर के द्वारा कल्याण होना बा, तब का करे कोई के रिझेबे, सीधे ओके आत्मा में जगह देके अपने जो नो भाव से रहित हो जा। देखो सरल बात नहीं बा, नहीं समझे में तो सरल बा, यह कि निभावे यहाँ कोनो कठिन नहीं, अब यहाँ कुछ नहीं। आखिर जब आपको मेरा कल्याण करना ही पड़ेगा तो शीघ्र ही कर देना उत्तम है। नहीं तो अब क्या ले, अब आत्मा के जब बैठा लेन अंदर तो शीघ्र नहीं कर दे। और रही बात की कोई शरीर, तो शरीर माता पिता का अहंकार होता है। अगर पिता इतना घमंडी है कि अपने दोष को दोष न समझ करके जो है चापलूसी करे, तो उसके अहंकार का जगह कहाँ? भगवान तो शरणागत भक्त वत्सल है, तो उस शरीर रूपी अहंकार का जगह, हाँ आत्मा का उतना सम्मान, लेकिन शरीर का कोई अर्थ इनके लिए। कहते हैं नाथ, मैं आपकी बलैया लेता हूं, यदि आप देर करेंगे तो यह गरीब दिन पर दिन बिगड़ता ही जाएगा, तब सुधारने में भी अधिक कष्ट होगा। जब अधिक बिगड़ा रहा है लोग, इसलिए मुझे शीघ्र ही अपना लीजिए। तो देखा भवा, आत्मा से बड़ा अपनाना, ऐसे बढ़ के कोनो प्रेम का प्रमाण नहीं हो सकता। तो जब दूसरे के आत्मा के अपना ले ला, तो तू कहाँ रह गई ले? ये ना गणेश जी, तो आज इसी बाणी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भगवान भोलेनाथ के सभी भक्तों की जय। अहर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यही होता है, जब परम पवित्र प्रेम मिल जाता है, तब जो है कि जो लोभी कपटी प्रेम होता है वह अपने आप छूट जाता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।